स्टूडेंट्स, दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड इन नीट एग्जाम मोशन फ्रॉम द चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन. द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल्स ऑफ 30° एंड 45° विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर. द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज इज. ओके स्टूडेंट्स, दो ऑब्जेक्ट है और दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया गया है. एक का एंगल 30° है और एक का एंगल 45° है. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ होता है स्टूडेंट, उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वो वेलोसिटी होता है. बिकॉज यू नो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम स्टूडेंट्स. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द टाइम. डिस्प्लेसमेंट इन द वाई एक्सिस एंड टाइम इज इन द एक्स एक्सिस. सो इसका जो स्लोप है स्टूडेंट, वो हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा. तो जो स्लोप होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, वो टेन थीटा होता है. तो टेन थीटा मतलब जो वी वन है, ये टेन थीटा जो होता है स्लोप होता है, और जो जो स्लोप होता है वो हमको वेलोसिटी देगा डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व. तो स्टूडेंट वी वन जो होगा वो कितना होगा, टेन 30° होगा. ओके स्टूडेंट, और जो वी टू होगा वो कितना होगा, टेन 45° होगा. तो टेन 45° होगा. तो स्टूडेंट 10:30 का वैल्यू कितना है हमको मालूम है. 10:30 कितना है, 10:30 है 1/, दैट इज 10:30 इज 1/√3 एंड 10:45 इज 1. सो v1 का v2 दोनों का जो रेशियो होगा, द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज, तो क्या होगा स्टूडेंट, 1/√3 अपॉन 1, दैट विल बी 1:√3, 1/√3 होगा. सो दिस विल बी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स.